नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2022 में बहुत से अभ्यर्थियों को एक समस्या आ रही है, जो लगातार हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लोग कमेंट कर रहे थे और लोग हमसे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर, हमने फॉर्म आधा भरा और सर्वर हमारा बंद हो गया। उसके बाद जब हम फॉर्म को दोबारा खोल रहे हैं तो फॉर्म जो है ऑलरेडी सबमिट कर रहा खुद दे रहा है, तो सर ऐसे में क्या करना है? तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसका सलूशन बताने वाले हैं। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत आ रही है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बता दें, इस भर्ती का जो फॉर्म है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? तो दोस्तों, ये फॉर्म आपको मिलेगा rozgarresult.com पर, एक ट्रस्टेबल एक पुरानी वेबसाइट rozgarresult.com, आपको इसको खोलना है और यहाँ पर आपको देखेंगे तो फॉर्म मिल जाएगा। मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूं जिसका नाम है sarkaririzult.com। गूगल पे जब भी आप सरकारी रिजल्ट लिखते हैं, चेक कीजिए लास्ट में .com लगाएगी। सीधा हम क्लिक कर देते हैं यूपी राजस्व लेखपाल फॉर्म पे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, फॉर्म की डिटेल खुल जाएगी, उसकी वीडियो हम आपको पहले ही दे चुके हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे भी इसका जो लिंक दे दूंगा। बहरहाल, सीधा आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन से। जब आप करते हैं तो यहाँ देखेंगे नया फॉर्म खुल जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे एक नया ऑप्शन आ चुका है। मैंने यहाँ पे जो है फॉर्म पे सरकारी रिजल्ट वालों ने यहाँ पे ऐड कर दिया है लॉग इन टू कंप्लीट फॉर्म। ये देख सकते हैं, लॉग इन टू कंप्लीट फॉर्म का एक ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना PET का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालना है, मैं अभी आपको डाल के दिखाऊंगा, और एक कैंडिडेट का इनकम्प्लीट फॉर्म आपको कंप्लीट करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले अपना डोमिसाइल सेट कर देंगे, कैटेगरी डाल देंगे, जेंडर डाल देंगे। थोड़ी साइड इसकी स्लो हो गई है क्योंकि आपको पता है लेखपाल एक बहुत ही बड़ी भर्ती का फॉर्म है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, सर्वर देख सकते हैं क्योंकि जब मैं चेक कर रहा हूँ तब भी सर्वर इसका बिजी चल रहा है। तो अगर आपका सर्वर बहुत से लोगों का है कि आधे में फॉर्म रुक गया, जिनके कई अभ्यर्थी ऐसे जो पेमेंट नहीं कर पाए या जिनका फॉर्म बीच में ही रुक गया और दोबारा खोलने पे आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको ये वाला लिंक खोलना है। ध्यान दीजिएगा, लॉग इन टू कंप्लीट फॉर्म हुआ, यहाँ पे आपको सारी चीजें भर देनी है, जैसे कि आपको PET के रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, कैटेगरी, सारी चीजें भरने के बाद यहाँ पे एक कैप्चा आपको दिखाई देगा। इस कैप्चा को डालने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन कलर का एक बटन दिखाई दे रहा है जिस पे लिखा है एक्सेप्ट, आपको इस पे क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। दोस्तों, जैसे ही डैशबोर्ड खुलेगा आप देख सकते हैं आप द्वारा भरे गए सारे फॉर्म की जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जिस कैंडिडेट का चेक कर रहा हूँ, उन्होंने दो बार जो इस फॉर्म को अप्लाई किया और उनका फॉर्म कहाँ पे रुका है ये भी आपको शो करेगा। जैसे आपका फॉर्म मान लीजिए पहला स्टेप हो चुका है लेकिन दूसरे पर रुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरे पर रुका है। जैसे मैं जिस कैंडिडेट का चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर डिटेल सबमिट में बाइंडिंग है और इन्होंने दो बार आवेदन किया है, तो दोनों बार का यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपका फॉर्म जहाँ पे भी रुका होगा वहाँ पे शो करेगा, और ठीक उसी के नीचे आप देखेंगे एक पेंडिंग का बटन होगा। अब आपको इस फॉर्म को यहीं से आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां जो पेंडिंग का बटन है इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और आपका फॉर्म वहीं से खुल जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। दोस्तों, जब तक फॉर्म ये खुल रहा है, जब तक हमने पेंडिंग पे क्लिक कर रखा है और ये खुल रहा है, लेकिन आपको बता दें आप लोग बार बार मल्टीपल एप्लीकेशन मत जो है सबमिट कीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपका आवेदन जो है निरस्त भी हो सकता है। इसी चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप एक बार आवेदन कर रहे हैं बीच में कहीं पर भी फॉर्म रुक गया है तो आपको जो यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन दिखाया है लॉग इन टू कंप्लीट फॉर्म, उस ऑप्शन पर क्लिक करके ही इस फॉर्म को आगे बढ़ाना है। बीच में ऐसा नहीं कि आप उस फॉर्म का नया आवेदन करने लगी, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशन में आपके आवेदन निरस्त भी हो सकते हैं। जहाँ पर भी आपको रुका रहेगा देख सकते हैं, मैंने तीनों स्टेप पे जो कंप्लीट है, जहां पे लिखा रुका रहेगा उसी के नीचे पेंडिंग का बटन आएगा, उस पेंडिंग के बटन पे क्लिक करके आपका फॉर्म वहीं से दोबारा खुल जाएगा। तो मेरा फॉर्म खुल रहा है क्योंकि सर्वर थोड़ा बिजी, इसलिए समय लग रहा है, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी रिपीट करके बताई है। तो चलिए दोस्तों, दोबारा क्लिक करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं जैसे ही लिंक खुला, हम आप देख सकते हैं फॉर्म मेरा वहीं पे खुल गया जहाँ पे आपने फॉर्म को छोड़ा था। फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए आपको नीचे जाना है। बाकी के प्रोसेस के लिए हमने जो फॉर्म फिलिंग की वीडियो बनाई है उसमें सारी जानकारी दी है, किस स्टेप में क्या करना है, कैसे पेमेंट करना है, क्या माध्यम है पेमेंट करने के। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो दोस्तों अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।